अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बोलो राधिका, पूछ रहा हूँ मैं तुमसे कि क्यों कर रही हो तुम? बार बार तुम्हें देखकर ऐसे क्यों लगता है कि तुम निर्दोष हो? तुमने पापा के साथ कुछ गलत किया ही नहीं। ये सच है कि हम निर्दोष, हमने पापा जी के साथ कुछ भी नहीं किया है। मन तो मेरा भी यही मानना चाहता है राधिका, मेरा दिल भी यही मानना चाहता है, लेकिन मैं अपनी आंखों देखी को नहीं भुला पा रहा। प्रवीण जी, हर बार आंखों देखा सच नहीं होता है। तो सच ले आओ ना सामने राधिका, क्यों तुमने ये दोषी का पट्टा अपने सर पे लगा रखा है? प्रवीण जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रही हो राधिका, तो अलग क्यों होना चाहती हो? डिवोर्स पेपर्स पे क्यों साइन कर दिया तुमने? तुम्हारी बातें कुछ, तुम्हारी हरकतें और कुछ, कहानी कह रही क्यों? क्यों राधिका, क्यों कर रही हो तुम ये सब? दिव्यम ने तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिया है, तुम भी चुपचाप साइन कर दो। बोलो ना राधिका। क्या हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि मुन्ना, तू यहाँ पर क्या कर रहा है बेटा? अगर नरपत सरपत ने देख लिया ना तो आफत हो जाएगी। तू चल हमारे साथ। चल, चल हमारे साथ। काश देवन जी, काश हम आपको तलाक के कागजों पर सच बता पाते। बोले ना, जो सूंड हमारी कमजोरी थी, हमारे मजाक का कारण बनती थी, अब उसी गजानन की सूंड को हम अपनी ताकत बनाएंगे और इसकी आड़ में रानी की प्रेगनेंसी का सच पता करेंगे। फिर शायद दुल्हन जी और हमारा रिश्ता दोबारा जुड़ जाए। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, ये सुजाता और उसके घन चक्करों की वजह से मैं अपना काम करना ही भूल गई। मैं जल्दी से अपना काम कर लेती हूँ। रानी, कहाँ जा रही है अब सास जी? तुमसे मतलब? हाँ, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हो कली? तुम मेरी बहू और बहू सास बनने की कोशिश मत करो। अभी चलो हटो यहाँ से। सास जी, अब सच सच बताइए कि आप कहाँ जा रही हैं, वरना हम अभी जाकर गोलू जी, ससुर जी और दादी सास जी को आपका सच बता देंगे। हाँ कौन से सच्चाई काली बेटिया? हाँ, अब कौन सा नया नाटक करने वाली हो तुम? लगता है घर वालों से फिर से डांट खाने का तुम्हारा बहुत मन हो रहा है काली बेटिया। क्यों, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही नहीं कहा आपने सास जी। ये देखिए, अब
अब बताइए सास जी, आप वो खिलौने और सारे बच्चे का सामान इसी बच्चे को दे रही थी ना? आपने कोई बच्चा गोद ले लिया सास जी? हमारा बच्चा नहीं हुआ तो आप हमें इस घर से बाहर निकाल कर इस बच्चे को पालेंगी आप? कली कली, मुझे ये फोटो वापस दो। नहीं देंगे, और हम अभी के अभी जाकर सब घर वालों को बता देंगे कि आप अपने पैसे लुटा रही, वो भी इस दूसरे के बच्चे पर। हम अभी जा रहे। कली रुको, ये बकवास बंद करो और ये फोटो दो मुझे। नहीं देंगे सास जी। मुझे फोटो वापस दो। ये सब क्या चल रहा है माँ? और ये फोटो रानी, रानी, रानी। हाँ हाँ भैया। बैल अपना चार्जर दे दे मुझे, मेरा मिल नहीं रहा, पता नहीं कठे रख दिया मैंने। हाँ हाँ भैया, ये रखा है ले लो। उनकी बैटरी भी खत्म हो गई है। छोरी छोरी। हाँ। देख रहे छोरी, थारी अंगूठी नीचे गरी पड़ी से। ध्यान रखे कर। थैंक यू भैया। सॉरी रानी, फिर तुम्हारी माँ बनने वाली कहानी का सच जानने के लिए हमें तुम्हें ये इंजेक्शन देना ही होगा। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। क्या कर रही हो रानी? वो कमरे में मच्छर कितने सारे हो गए, शायद पंखा बंद है ना इस वजह से। शायद ना तुम्हें मच्छर नहीं काटा होगा। देखो अब हम एक काम करते हैं, मच्छर बहुत ज्यादा हो गया ना तो वो मच्छर मारने वाली मशीन ऑन कर देते हैं। ठीक है? ठीक है। तेरा भाई दिव्यम भी अपनी परेशानियों में कितना उलझा हुआ है,
तो मैंने सोचा कि तू दिव्यम के साथ जाकर अपने कमाए हुए पैसे से गणेश जी की मूर्ति के लिए एडवांस दे दे, लेकिन इस कली की वजह से ये सब कुछ हो गया। मम्मी थैंक यू सो मच। आप सबके बारे में कितना सोचती हो, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? ठीक है, जो आपने सोचा है वो ही होगा। मेरा बच्चा रुक जा, मैं तुझे पैसे देती हूँ, ले जा। परेशान मत करना, देख लेंगे हम आपको सासी। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।